हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल के किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। नंबर वन, पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़े के घोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए, इससे पकौड़े ज़्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेगा। नंबर टू, ढाबे जैसा खिले खिले सफ़ेद चावल बनाना चाहते हैं तो चावल को पकाते समय उसमें एक चम्मच घी और कुछ बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, इससे चावल एकदम सफ़ेद और खिले हुए बनेगा। नंबर थ्री, सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते समय जब प्याज भून रहे हैं तो उसमें चुटकी भर चीनी भी डाल दीजिए, इससे ग्रेवी का रंग निखर जाएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर फोर, प्याज को काटने से पहले प्याज को ठंडे पानी में डुबोकर रखें, इससे प्याज काटते समय आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नंबर फाइव, अगर लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो लौकी को कद्दूकस करने के बाद उसमें का निकला हुआ पानी से पराठे का आटा लगाएं, इससे पराठे मुलायम और स्वादिष्ट बनेगा। ऐसे ही किचन टिप्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।